ये लोकसभा, इसमें मंत्री बैठेंगे, इसमें मंत्री बैठेंगे, तो इसमें मंत्री बैठेंगे, और मंत्री का हेड क्या रहेगा? प्राइम मिनिस्टर, मंत्री का हेड, तो इसे कहा जाएगा सदन का नेता। बताओ हमारे सदन का नेता कौन है? प्रधानमंत्री। लेकिन अगर ये मंत्री के ऊपर कोई ना कोई सवाल पूछने वाला चाहिए ना, तो कौन होना चाहिए? विपक्षी दल। और विपक्षी दल में जिस दल के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, जिस दल के पास सबसे ज्यादा सीटें, जैसे जीते वाले में जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें और नेता पक्ष, और हारने वाले में जिसके पास जैसे नेता विपक्ष, तो नेता पक्ष सदन का नेता नरेंद्र मोदी और सदन में विपक्ष का नेता राहुल गांधी। तो जीतने वाले में सबसे ज्यादा किस पार्टी को है? उस पार्टी से नेता सदन, और हारने वाले में सबसे ज्यादा किस पार्टी से? उसे नेता प्रतिपक्ष या नेता विपक्ष। अब दोनों की शक्तियां इतनी होती है, समझिए, कि अगर कोई विदेशी मेहमान आएगा तो दोनों साथ मीटिंग में बैठेंगे, क्योंकि किसी का पर्सनल देश तो है नहीं यहां पर। और विदेश वाले को भी लगना चाहिए कि हमें देश से अच्छे रिश्ते रखने हैं, किसी नेता या किसी पार्टी से नहीं। अगर ऐसा होने लगे तो विदेश नीतियां ही चेंज होने लगेंगी। पता चला मोदी जी की जगह कोई और आया तो पता चला नीति बदल जाएगा? नहीं, वो भी जाएंगे, हेलो मोदी, हाउडी ट्रंप, सब होते रहेगा यहाँ पे। इसलिए देखिएगा, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के कानों पे कोनो गोली मार दिया, बताइए, तनी मनी अन्य हुआ था हमारे ट्रंप पे नहीं है? मार दिया। मोदी जी तुरंत फोन किए बाइडेन को भी, बाइडेन जी नेता विपक्ष है वो आदमी, ध्यान दीजिए, और फिर किसको फोन किए? ट्रंप को भी किए। इसका मतलब हमें अमेरिका से रिश्ते अच्छे रखने हैं, बाइडेन और ट्रंप से नहीं। और विदेश वाले भी भारत से अच्छे रिश्ते रखते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, मोदी जी से नहीं। हमें अपना देश देखना है, देश को ले जाने वाले नेता होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि देश कितनी रफ्तार से आगे जाएगा। अगर दूरदर्शी नेता है अच्छी रफ्तार से जाएगा, अकलेल बकलेल है धीमी रफ्तार से जाएगा, रफ्तार का चेंजिंग आ जाता है। जैसे जयशंकर साहब को देखते हैं, नाश्ता में तो यूरोप वालों को खा जाते हैं। एक बार को विपक्ष वाला नेता, पाकिस्तानी मीडिया ने, यूरोप का मीडिया वाला था, अंग्रेजी में ढेर उछल रहा था कि कब तक भारत और पाकिस्तान के रिश्ते खराब रहेंगे, कब तक दोनों एक दूसरे से दूरियां बनाएंगे, कब तक दूरियां रहेंगी, कब से व्यापार चालू होगा। तो उन्होंने कहा कि सुनिए ना, आप गलत मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं, यह सवाल आप पाकिस्तान के मंत्री से पूछे कि कब आतंकवाद बंद करेगा, पहले ही शटडाउन। याद रखिएगा, अगर जयशंकर साहब मुस्कुराए तो सामने वाला रोएगा। हम उनके जवाब का इंतजार नहीं करते हैं, हम बस चेहरा देखते हैं, मुस्कुरा दीजिए, हम कर ले गया, ये आदमी डुबा दिया यहाँ पे। बहुत स्ट्रांग लीडर है। हम आगे बढ़े।